द टाइटल ऑफ़ द टॉपिक एट जीरो टू डॉट वन वन सर्विसज सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस टॉपिक को कम्प्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सर्विस प्रोवाइडेड बाई आई ट्रिपली एट जीरो टू डॉट वन वन इस टॉपिक में यूज होने वाले जो फिगर्स हैं जो मेटीरियल हैं दे है फ्राम द बुक विदलर्क सिक्योरिटी इसेंशियल्स एप्लीकेशन एंड स्टैंडर्ड्स और ये बुक है विलियम स्ट्रॉलिंग्स की And the book was published in 2014. Jo IEEE 802.11 defines nine services that need to be provided by the wireless LAN to achieve the same functionality, which is equivalent uh, to a wired LAN. So, this uh, 802.11 provides nine services. If we look at diagram, in this table, mein, wo nine services ko, uh, list down. Kiya gaya hai. On the left-hand side, the services hai, फिर प्रोवाइडर है फिर यूज़ टू सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल पहली जो सर्विस है वो है एसोसिएशन प्रोवाइडर कौन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दिस इज़ यूज़ टू सपोर्ट एम एस डी यू डिलेवरी फिर अथेंटिकेशन है स्टेशन प्रोवाइडर है लैन एक्सेस एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है डी अथेंटिकेशन स्टेशन लैन एक्सेस एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है एसोसिएशन प्रोवाइडेड बाई द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दिस इज़ यूज़ टू सपोर्ट एम एस डी यू डिलेवरी फिर डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एम एस डी यू डिलिवरी है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करता है और दिस इज़ यूज़ टू स्पोर्ट एम एस डी यू डिलिवरी फिर एम एस यू डी एम एस डी यू डिलेवरी है दिस इज़ प्रोवाइड बाई द स्टेषन एंड इट इज़ यूज टू स्पोर्ट द एम एस डी यू डिलेवरी फिर प्राइवेसी है दिस इज़ प्रोवाइड बाई स्टेशन एंड लैंड एक्सेस एंड सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है फिर री एसोसीिएशन है विच इज़ प्रोवाइड बाई द डिस्ट्रीब्यूशन सिसटम एंड द एम एस डी यू इज़ डिलेवरी This is used to support this. Now, if you carefully table carefully, there are two ways of categorizing the services. The first uh, uh, category is the service provided can be either a station or the distribution system. The station services are implemented in every 802.11 station, including the access point stations. The distribution services uh, they are provided by the BSSs. The, these services may be implemented in an AP. They can be implemented in a special-purpose device attached to the distribution system. So the second category is that three, three of the services, they are used to control IEEE 802.1, land access and confidentiality. The remaining six services, hai, they are used to uh, support the delivery of MAC service data units between the stations. If your MSDU, the payload, aapki, ज क्वाइट लॉर्ज टू बी ट्रांसमिटेड इन ए सिंगल एम पी डी यू तो क्या करते हैं आपने उसको फ्रेगमेंट करना है एंड देन ट्रांसमिट इन ए सीरीज ऑफ एम पी डी यूज सो वाउ इस द सर्विसज वन बाई वन पहली जो सर्विस है वो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैसेज विद इन ए डी एस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो दो सर्विसज देर आर इन्वाल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैसेजेस विद इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटीग्रेशन ये दो वो सर्विसज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटीग्रेशन जो क्या करती हैं आपके मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं विद इन ए डी एस तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ द प्राइमरी सर्विस यूज बाई एक्सचेंज द एम पी डी यूज बैन द एम पी डी यूज मस्ट रिवर्स द डी एस टू गेट फ्राम फ्राम स्टेशन इन वन बी एस एस टू अटेशन इन अनदर नदर बी एस तो एक बी एस एस से दूसरे बी एस एस में जब आपने डेटा को ट्रांसफर करना है तो आपकी ये सर्विस यूज़ होती है Agar those stations that are communicating are within the same bss then the distribution service logically goes through the single ap of that access point of that bss jo dusri service hai, wo hai integration key integration service hai ye karti hai? this enables the transfer of the data between a station on an ieee 802.11 LAN and a station on an integrated ieee 802 डॉट एक्स लाइन कोई वाइड लैन हो सकता है तो जो इंटीग्रेशन की सर्विस है इट टेक्स केयर ऑफ़ एनी एड्रेस ट्रांसलेशन अगर एक 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 लैन से दूसरे लैन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत हो सकती है इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ़ द मीडिया कॉन्वर्सेशन कन्वर्जन लॉजिक जो मीडिया कन्वर्जन लॉजिक है उसका भी ये ख्याल करता है ताकि डेटा को एक्सचेंज किया जा सके तो इंटीग्रेशन इस मकसद के लिए यूज़ की जाती है फिर हमारे पास है एसोसिएशन रिलेटेड सर्विसेज ना टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन हम सबसे पहले देखते हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन टाइप्स और वो बेस कर किस पे करती हैं मोबिलिटी पे करती हैं मोबिलिटी की बुनियाद के ऊपर ट्रांजिशन की तीन टाइप्स हैं पहली क्या है नो ट्रांजिशन स्टेशन इज ऑफ दिस टाइप इज आई स्टेशनरी और इट मूव्स डायरेक्टली विद इन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द कम्युनिकेटिंग स्टेशन ऑफ़ ए सिंगल बी या तो आपका स्टेशन क्या स्टेशनरी है, है या वो क्या करे डायरेक्ट कम्युनिकेशन रेंज में मूव कर रहा है फिर आपके पास क्या हो सकती है ट्रांजिशन बी एस ट्रांजिशन दिस इज डिफाइंड एज ए स्टेशन मूवमेंट फ्रॉम वन बी एस एस टू अनदर बी एस एस विद इन द सेम ई एस एस तो एक ही ई एस एस के दरमियान दो बी एस एस के दरमियान ये मूवमेंट है सो द डिलीवरी ऑफ द डेटा टू द स्टेशन रिक्वायर्स द एड्रेसिंग केपेबिलिटी बी एबल टू रिकग्नाइज द न्यू लोकेशन ऑफ द स्टेशन फिर हमारे पास क्या आती है तीसरी टाइप की आती है वो है ई एस एस ट्रांजिशन ई एस एस ट्रांजिशन में क्या होगा इट्स स्टेशन मूवमेंट फ्रॉम ए बी एस एस ऑफ वन ई एस एस टू ए बी एस एस ऑफ अनदर ई एस एस इसमें क्या होगा जो मेंटेनेंस ऑफ द अपर लेयर कनेक्शन सपोर्टेड बाई एट जीरो टू डॉट वन वन दे के बी गारंटीड Now, to deliver a message within a DSS, uh, within a DS, the distribution service needs to know the identity of the AP, to which message should be delivered in order for that message to reach the destination station. the Purpose three services relate to a station maintaining an association with the AP with its current PSS: Service Association. This establishes an initial association between a station and an AP. फिर आपके पास क्या आ गया री एसोसिएशन दिस एन एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशन टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ए पी टू अनदर अलाउंग ए मोबाइल सेशन टू मूव फ्रॉम बी एस एस टू अनदर फिर आपके पास क्या आ गई डिसोसिएशन केस में क्या होगा ए नोटिफिकेशन फ्राम आइदर स्टेशन और एन ए पी देर एन एग्जिस्टिंग एसोसिएशन इज टर्मिनेटेड तो इस इस टॉपिक में हम लोगों ने जो वेरियस सर्विसेज देर आर प्रोवाइडेड बाय आई ट्रिपल ई एट जीरो टू वन वन वायरलेस लैन को डिस्कस किया है विच आर एक्वलेंट टू एवॉयड लैन